तो हेलो व्यूअर्स, वापस से आपका स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु विद पीजीपीजी, जहां पर हम आपको मिलवाते हैं देश भर के ऐसे ओनर्स से जिन्होंने अपने रेंटिंग पीजी बिजनेस को आज एक अच्छे मुकाम पर लेकर खड़े हैं। कोविड से पहले और कोविड के बाद दोनों टाइम मतलब अच्छे से अपने पीजी बिजनेस को चला रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ मिस्टर पंकज सर हैं, जो कि जयपुर में उज्जवल बॉयज पीजी करके अपना एक पीजी चला रहे हैं, जो कि 45 सीट्स का पीजी है। कोविड के बाद इन्होंने पीजी स्टार्ट किया है, लगभग 11 महीने इनको पीजी चलाते हुए हो गए हैं। कोविड के दौरान इनकी जो जॉब थी, जो कि ये एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब करते थे, वो चले गई थी। उसके बाद इन्होंने पीजी बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि आज ये बहुत अच्छी तरह से एक ऑटोमेटेड तरीके से उसको चला रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले तो मैं पंकज जी का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने अपना टाइम निकालकर हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े, और आज हमें अपनी एक स्टोरी वो बताने वाले हैं कि कैसे वो अपने इस पीजी बिजनेस में आए हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, कैसे कैसे उन्होंने इस पीजी बिजनेस को चलाना स्टार्ट किया। तो स्वागत है सर आपका। सर कहाँ से ये पीजी में घुसने की स्टोरी स्टार्ट हुई, कहाँ से आपको आइडिया है कि चलो पीजी बिजनेस करते हैं? सर क्या है कि जब लॉकडाउन जो अपना फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तब मैं क्या करता था, ट्रांसपोर्ट कंपनी में, मैं बेंगलोर में था। तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे मतलब फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत भारी परेशानियों से गुजरते हुए मैं लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, उसके थ्रू मैं गांव पहुंचा था। गांव पहुंचने के बाद घर वालों ने बोला लॉकडाउन में कि अब तेरे को बाहर कहीं नहीं जाना है, तेरे को यहीं जो काम करना है यहीं कर ले। तब मेरा एक दोस्त है यहाँ जयपुर में, वो उसको मैंने संपर्क किया, मैंने उससे बोला था उस कि भाई कोई जॉब वॉब हो तो बता, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से पीजी चला रहा था। तो उसने मुझे ये बताया कि जॉब वॉब में कुछ नहीं रखा, अब तू ये काम कर, मैं तेरे को बता दूंगा और तू इस हिसाब से मैं तेरे को बिल्डिंग दिलाता हूँ और तू पीजी चला ले। तो उसने मेरे को पीजी लाइन के बारे में बताया, क्योंकि मैं तो इसमें बिल्कुल नया था। उसने मेरे को इस लाइन के बारे में समझाया, बताया, सिखाया, और उसके बाद मैं आज पीजी चला रहा हूँ। तो सर जैसे कि उन्होंने आपको बताया होगा, तो स्टार्टिंग कुछ डर भी अंदर रहा होगा, क्योंकि एक जॉब करने वाले आदमी को एक बिजनेस में घुसने से पहले काफी सारे सवाल मन में उठते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर नहीं चला तो क्या होगा। तो वो डर, वो सवाल, क्या क्या सवाल आपके मन में आ रहे थे उस समय? यही सवाल थे सर, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आई, तब मैंने उसको बोला यार इन्वेस्टमेंट करेंगे पीजी है, अभी लॉकडाउन वैसे लगा हुआ है, कौन लड़का आएगा, कोई भी नहीं आएगा अभी। उसने बोला तू टेंशन मत ले यार, मैं हूँ ना तेरा, मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगा। तब मैं उसने मेरे को बिल्डिंग दिलाई, फिर भी मैं बहुत मतलब अंदर से यही था कि यार साला अब नए बिजनेस में आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे दो महीने तक तो कुछ नहीं, दो चार लड़के आए थे पीजी में, उसके बाद में धीरे 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 ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे सीखने को मिला कि कैसे क्या करने से क्या होता है, उसका भी मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। उसके बाद में बढ़िया थोड़ा धीरे धीरे 5-6 महीने बाद में रूटीन में आया। मतलब स्टार्टिंग आपने करी एक जॉब वाले आदमी, मतलब काफी लोग सोचते हैं पीजी चलाने के लिए कि जॉब छोड़ के अब कुछ पीजी बिजनेस में कुछ किया जाए। तो जब स्टार्टिंग में हमें एक रेंटेड प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है, एक बिल्डिंग नहीं ढूंढनी होती, तो आपने जब ढूंढ रहे थे तो उस समय आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी थी कि ये चीजें उस बिल्डिंग में होनी चाहिए, मुझे इस टाइप की बिल्डिंग चाहिए, और कैसे आपने उस बिल्डिंग को ढूंढा? देखो जब मैंने पीजी के लिए बिल्डिंग ढूंढी थी, उसने मेरे दोस्त ने मेरा साथ दिया पूरा, क्योंकि वो पहले से पीजी चला रहा था। फिर मैंने उसको बातचीत, जब हम बैठ के बातचीत डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने उसको ये भी बताया था कि जब अपन जो भी बिल्डिंग देखते हैं, सभी रूम में एक तो अपने लेट बाथ अटैच होने चाहिए, दूसरी बात है जो अब उस बिल्डिंग की लोकेशन, मेन चीज अपने पीजी बिजनेस में लोकेशन पे डिपेंड करती है, तो उस लोकेशन की उसके नज़र में ये बिल्डिंग थी कोई, तो उसने मेरे को उस बिल्डिंग दिखाई, तो मेरे को वो दिखाते ही बिल्डिंग फर्स्ट टाइम में ही पसंद आ गई। तो उसके बाद मैं मकान मालिक से बातचीत करके और उस बिल्डिंग को डील किया, और डील करने के बाद आज कंटिन्यू वो बिल्डिंग मैं रन कर रहा हूँ। सर जैसे कि आपके दोस्त का तो सपोर्ट आपको था ही, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपने स्टार्टिंग डेज में मतलब जो चैलेंज लगे होंगे कि यार बहुत प्रॉब्लम्स इस चीज की आ रही हैं, तो वो क्या क्या स्टार्टिंग डेज में जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्या थी और आपने उनको कैसे कैसे ठीक किया? तो सर स्टार्टिंग डेज में क्या है, जब स्टार्टिंग में सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि भाई अभी अपन ने बिल्डिंग ले ली, स्टार्ट कर ली, आज से अपना रेंट स्टार्ट हो गया, अपने पास बच्चा एक भी नहीं है, और जब तक बच्चा नहीं आएगा तब तक अपने को रेंट तो घर से ही देना पड़ेगा। तब लोगों से आसपास के जो और भी कोई पीजी वाले थे उनसे भी संपर्क में रह के कि कैसे क्या एडमिशन होते हैं,
उनसे भी संपर्क में लिया पूरा। उसके बाद लोग जैसे क्या है कि मार्केट में पोस्टर लगाते हैं, तो एक दो बार मैंने मेरे इसके प्रचार के लिए पोस्टर भी लगाए। मैंने पोस्टर लगाने के बाद में देखा तो जब मैंने पीजी ओपन किया उसके 16 या 17 दिन बाद में एक फर्स्ट एडमिशन आया। फर्स्ट एडमिशन आने के बाद में मेरे को दिल में तसल्ली हुई कि हाँ भाई अपने को अब रनिंग धीरे 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 स्टार्ट हो जाएगा, अपना ओपनिंग हो चुकी है, ओपनिंग हो चुकी है, अब देखेंगे क्या होगा। फिर जैसे धीरे धीरे एक एक बजे इंक्वायरी आती रही, कई आते हैं आगे बोल के बताते हैं ठीक हम बताते हैं भैया आपको, उनको भी कॉन्टेक्ट में लेके उनको मतलब जो भी स्टूडेंट आया उसको सेटिस्फाई किया पूरा। सेटिस्फाई करने के बाद में एडमिशन करवाया तो अच्छे से धीरे धीरे मेरी भी ये होगी कि भाई हाँ अब मैं चला सकता हूँ, मैं कस्टमर को या स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, और ऐसे करके मैंने मेरा पीजी भर लिया। सर जैसे कि आपने 11-12 महीने पहले स्टार्ट किया, कोविड बिल्कुल गया ही था और धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रही थी चीजों में, लेकिन लोग अभी भी डर था, कोविड का डर बहुत ज्यादा था लोगों के बीच में, तो बच्चे वैसे आपने बताया कि बहुत बहुत कम आ रहे थे। तो जब आपने चलाना स्टार्ट किया उसके बाद एक पॉइंट फिर आया जहां पर कोविड की सेकेंड वेव आ गई, तो वो पॉइंट जहां पर कोविड की सेकेंड वेव आई वहां पर आपके बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट आए कोविड की जब दूसरी वेव आई? सर जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो पहले से ही आपको पता हवा तो पहले से थी ही, तो लड़कों को पहले से ही हो गया भैया अब लॉकडाउन लगने वाला है हम तो घर जाएंगे। अब कोई लड़के तो बोलते हैं भैया हम तो आप पीजी बंद मत करना है, हम आपके पास यहीं रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे, कोई बोलते हैं हम घर जाएंगे। ऐसा करके मेरा पीजी मतलब जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसे आधा पीजी मेरा खाली हो गया, आधा पीजी खाली हो गया। मैंने कहा तो यार अभी तो ये इतने बच्चे हैं, लेकिन चलो जो भी है उसके साथ ठीक है, अपना खर्चा निकल जाएगा वो भी बढ़िया है। फिर धीरे धीरे उनमें से भी एक 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 कम होते होते पीजी एकदम पूरा खाली हो गया। अब रही बात टेंशन, आपको पता है अपने को सिर्फ मोटी मोटी टेंशन होती है रेंट की। अब रेंट पे जब मैंने मकान मालिक से अपने प्रॉपर्टी ओनर से बात की तो उसने भी मेरे को पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया लॉकडाउन का मेरे पास से, उन्होंने कोई किराया नहीं लिया, कोई रेंट नहीं लिया, और बोले तुम बिंदास चलाओ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके दिल में तसल्ली हुई। फिर वापस जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ फिर वापस आए तो धीरे धीरे पुराने बच्चों के फोन आने स्टार्ट हो गए, भैया हम आ रहे हैं, भैया हम आ रहे हैं, ऐसे करके सब वापस आए और आज मेरा पीजी वापस फुल है। अच्छी बात है सर ये तो, आपका पीजी वापस फुल हो गया। सर पीजी चला रहे हैं तो आपको ये ईजीपीजी ऐप की जरूरत कहाँ से पड़नी स्टार्ट हुई? सर ईजीपीजी ऐप की जरूरत तो क्या कि मेरे कोई फ्रेंड यूज कर रहे थे। एक तो क्या है कि मेरे डेली का अपना डेली का कॉपी में लिखना, डेली का सिस्टम रखना, अब जैसे बाहर जाते हैं मार्केट में सामान ले लिया पैसे खर्च हो गए और वो लिखना भूल जाते हैं तो अपना तो रेस्ट हो गया पूरा, पता ही नहीं चलता हिसाब का है। अब अपना इजी बिजी ऐप ऐसा मिला है कि उसमें क्या कहीं भी अपन मार्केट में कहीं भी है तुरंत की तुरंत अपना एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी अपना है तुरंत ऐड कर देते हैं, अपने को भूलने की कोई टेंशन नहीं है। जी सर इजी बिजी ऐप से हमें बहुत फायदा हो रहा है और बहुत इजी हो गया हमारे लिए वर्क। सर क्या क्या फायदे आपको लगते हैं कि आपके बिजनेस में ये इजी पीजी ने चेंज किए हैं? तो देखो सर इजी पीजी के फायदे ही हैं, एक तो अपने को इजी पीजी में अपने को मतलब ज्यादा वो नहीं कर मैनुअली वाला सिस्टम नहीं करना पड़ता कि अब प्रॉफिट लॉस निकालना है और निकालना उसमें पूरी मंथली रिपोर्ट निकाल के अपने को प्रॉफिट लॉस का हो जाता है। दूसरा बात अभी बार बार रजिस्टर चेक नहीं करने पड़ेंगे बुक रजिस्टर की, भाई आज किसका फीस का टाइम है, किसका ओवर ड्यू हो रहा है, किसका ड्यूज हो रहा है, ड्यूज का मैसेज अपने पास आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या हमें बहुत फायदा रहता है, बाहर रहते हैं अब उसमें अपने पास सब कुछ है। अब जो अपने जैसे 45 बच्चे हैं तो अब उनका एनी टाइम डाटा तो अपने साथ लेके अपन रजिस्टर घूम नहीं सकते, तो उसमें क्या है अपने को जब भी किसी स्टूडेंट से बात करनी होती है या फिर सबको कोई मैसेज देना होता है तो ये सब अपने क्या ऐप के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है। ऐप से बहुत इजी हो गया काम। सर जैसे कि अब पहले अभी तो आपने बताया कि आपके पूरे पूरे बच्चे फुल हैं, तो जब बच्चों को ये बताते थे कि मैं एक ऐप का यूज कर रहा हूँ, एक स्मार्ट डिजिटल पीजी को चला रहा हूँ और एक स्मार्ट ओनर की तरह अपने पीजी को रन कर रहा हूँ, तो बच्चों के ऊपर इसका इंप्रेशन कैसे जाता था? कुछ ऐसा है कि बच्चे बाकी लोगों से छोड़ के आपके पास इस चीज के चक्कर में आते थे कि इनके पास तो एक डिजिटल ऐप है, एक ऐप के जरिए हमारा पीजी चलता है, इस चक्कर में कुछ फायदा आपको हुआ है? बच्चों का जो फर्स्ट इंप्रेशन था बच्चों का भी बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो अपने
जैसे मैनुअली फॉर्म भरवाते हैं, अभी सीधा डायरेक्ट यहाँ जैसे एडमिशन आया या बच्चा उससे तुरंत एडमिशन करा के डिजिटल सिग्नेचर वर्क करवा लिया, डायरेक्ट रेंटल एग्रीमेंट उसका जनरेट हो जाता है। दूसरा सर उसको लिंक चला जाता है, ड्यूज का मैसेज चला जाता है, वो अपने आप पेमेंट भी कर देता है अपने को बोलने की जरूरत। तीसरी बात, उसके पास ऑनलाइन रिसिप्ट चली जाती है पूरी, ऑनलाइन रिसिप्ट उसके पास भी रिकॉर्ड हो जाता है। मैनुअल रिसिप्ट तो वो भी मान लो उसको दी हुई हो, कहीं खो जाती है, गुम हो जाती है, तो एक उसको मैसेज व्हाट्सएप पे जाने से क्या है कि उसका ऑनलाइन उसके पास भी रिकॉर्ड पूरा रह जाता है। जी सर। तो सर एजीपीजी आप यूज कर रहे हैं, तो एजीपीजी का आपका फेवरेट फीचर कौन सा है कि आप बोले कि इस चीज को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ? ऐप में मेरा तो फेवरेट फीचर क्या है, एक्सपेंसेस वाला ही है, ओके। क्योंकि मेरे मेरा मोस्टली बहुत बार क्या कि मैं इतना ज्यादा बिजी भी रहता हूँ तो खर्चे लिख के भूल जाता हूँ मैं खर्चा। अब इससे क्या है कि मैं तुरंत की तुरंत मार्केट में ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को क्या है हिसाब रहता है मेरे पास बराबर की, हाँ भाई ऐसे हो ठीक है। तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो बहुत इजी हो चुकी है इस चीज से। हाँ अकाउंटिंग मेरी बहुत इजी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी जो जॉब करता था वो भी अकाउंटेंट की जॉब करता था। तो सर जैसे कि कंप्लेंट्स भी कभी कभार ऐप में आती होंगी, कुछ दिक्कत हो गई आती कोई है पर, कंप्लेंट तो वो कितने टाइम में रिजॉल्व हो जाती है? कभी कभी कंप्लेंट्स में जो भी ऐप में जो कंप्लेंट आती है तो मैं ग्रुप में जैसे मैसेज डालते हैं उसको सॉल्व कर दिया जाता है। मतलब कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके लिए। सर जैसे कि आप खुद भी 11 महीने से पीजी चला रहे हैं, काफी टाइम हो गया, आप पीजी मार्केट में और लोगों को भी देखते होंगे, तो आप नॉर्मली अगर आपको कोई मिलता है तो आप पीजी पीजी कितने लोगों को रिकमेंड करते हैं? सर मेरे तो हॉस्टल पीजी लाइन वाले जो भी फ्रेंड्स हैं मैं सबको इजी पीजी रिकमेंड करता हूँ, और मोस्टली मैं सबको इजी पीजी सबके मोबाइल में डाउनलोड करवा के सबको लगवा दिया हूँ चालू, ठीक है सर। मोस्टली सबका स्टार्ट करवा दिया। यस सर। तो सर जैसे कि अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका अभी 11-12 महीने आपको पीजी चलाते हुए हो गए हैं, इस जो ये सफर है आपका 11 महीने का, इसको आप कैसा बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा रहा, बहुत नॉर्मल रहा, या मतलब आपको इसमें कितना आप रेट करेंगे इसको 10 में से? अगर मैं बोलूँ कि आपको रेट करना है अपने पुराने जॉब को और ये नया जो आप बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो इसको किस हिसाब से आप रेटिंग देंगे, ये इतना अच्छा है जॉब से या बेकार है, क्या है? देखो सर अपना तो अपना ही होता है, जी सर बिजनेस है तो अपना तो अपना ही होता है, और जॉब जो भी होती है, जी सर। बट क्या है कि अभी मैंने स्टार्ट ही ऐसी टाइम पे किया था, लॉकडाउन के टाइम पे या कोविड के टाइम पे स्टार्ट ही ऐसा किया था, तो लेकिन फिर भी मेरा मतलब बुरा नहीं रहा, एवरेज रहा। और आप अगर मान लीजिए कोई नया पीजी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 2 शब्द की ये चीजें करें ये चीजें ना करें, वो आप क्या बोलेंगे? देखो सर अगर कोई आज के टाइम पे पीजी लाइन में कंपटीशन भी बहुत हो चुका है, और अगर कोई इसे बिजनेस में नया आना चाहता है तो पहले इसके बारे में पूरा प्रिपरेशन करें, पूरा जान पहचान पूरा सीख के ही इस लाइन में आए, और आने पे अपना ऐसा नहीं है कि मैंने पीजी खोल लिया है भाई अपना काम हो गया छोड़ दिया, तो पीजी खोलने के लिए बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, तो उसके लिए पहले से ऑलरेडी तैयार होके आए कि भाई मेरे पास कुछ भी समस्या आए तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। सर कुछ बातें अपने पीजी के बारे में बताइए, अपने पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, क्या क्या प्राइस है उसका, क्या लोकेशन पे आपका पीजी है, और क्या आपकी मेन यूएसपी है? देखो सर मेरा जो जयपुर मेरा जो पीजी है जयपुर में एकदम गोपाल नगर लोकेशन में, गोपाल नगर जगह बोल के है, वहाँ लोकेशन है अराउंड 200 मीटर ऑल कोचिंग मेरे पीजी के आसपास में। मेरे पीजी में टू सीटिंग एंड थ्री शेयरिंग वाले रूम है, और जिसकी रेट मेरे पीजी की 7,000 रुपये 2 सीटर में है और 6,000 रुपये 3 सीटिंग में जो प्राइस है। और मैं रही बात फैसिलिटी की, तो एकदम हाइजेनिक फूड खाने को मिलता है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है पीजी में, पीजी की सबसे बड़ी बात होती है खाने का, घर से दूर रहकर घर जैसा खाना मिलता है।